जब तक वो जिए इस दुनिया में आजाद ही रहेगा। जी हाँ, चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बनने की ये कहानी काफी दिलचस्प है। चंद्रशेखर आजाद उनका नाम नहीं था, उनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। माँ संस्कृत का टीचर बनाना चाहती थी, तो कैसे वो चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बन गए वो किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे संस्कृत के शिक्षक बनते बनते वो क्रांतिकारी बन गए। माँ संस्कृत का शिक्षक बनाना चाहती थी। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के उस दौर में झाबुआ था जिला, भाबरा गांव में जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का। वर्तमान में ये अलीराजपुर जिला में आता है, मध्य प्रदेश में। उस दौर में जलियांवाला बाग कांड हुआ और उस कांड के बाद प्रोटेस्ट देश में आंदोलन जिसे कहें तेज हो गए। असहयोग आंदोलन भी उस समय तेजी से बढ़ रहा था। गांधी जी का सहयोग करने के लिए मात्र 16 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर तिवारी सक्रिय हो गए थे। उस दौरान उनको पकड़ा गया आंदोलन के वक्त। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम, पिता का नाम और पता पूछा। तो जवाब था चंद्रशेखर तिवारी का कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा पता जेल है। इस जवाब से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़े मारने की उनको सजा सुनाई। जेल से वो बाहर निकले जब आजाद नाम से वो तब तक मशहूर हो चुके थे और चंद्रशेखर तिवारी बन चुके थे चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद काकोरी कांड होता है अगस्त 1925 में, जिसमें क्रांतिकारी अंग्रेजों के खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूट लेते हैं। काकोरी कांड को अंजाम दिया था चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर। ये वो कांड था जिसके बाद से अंग्रेजों की आंखों में चढ़ चुके थे चंद्रशेखर आजाद। तमाम तौर पर अंग्रेज जो है उनको थूड़ने में लग चुके थे, अंग्रेजी सेना उनको थूड़ रही थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो कि भेस बदलने में माहिर थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान नहीं था। एक किस्सा और जिसमें आप सोचेंगे चंद्रशेखर आजाद के पहलू को, कि खुद पर रखा हुआ जो इनाम था, खुद के सिर पर रखा हुआ इनाम वो दोस्त को मिल जाए इसलिए चंद्रशेखर आजाद सरेंडर करने के लिए तैयार हुए थे। उन्हीं दिनों की बात है जब चंद्रशेखर आजाद फरार चल रहे थे बुंदेलखंड के आसपास, झांसी के आसपास खासतौर से वो रुकते थे। उनकी दोस्ती यहाँ मास्टर रुद्रनारायण सक्सेना से हुई जो कि आजादी के आंदोलन में भी सहयोग करते थे, सक्रिय थे। वो अच्छे चित्रकार भी थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो बनाई जो बहुत फेमस फोटो है, जिसमें मूछों पर हाथ और हाथ में एक हाथ मूछों पर दूसरे हाथ में बंदूक, ये तस्वीर मास्टर रुद्रनारायण ने बनाई थी। वो तस्वीर अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के हुलियों को एग्जैक्टली पकड़ने के लिए, जो करते हुए पकड़ने के लिए इस तस्वीर को लेकर इनाम रखा था। तो मास्टर रुद्रनारायण जो उनके दोस्त थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो चंद्रशेखर आजाद को पता चला कि उनकी इस तस्वीर पर काफी इनाम मिल सकता है मास्टर रुद्रनारायण को। तो सोचिए खुद पर रखे हुए इनाम को जो अंग्रेजों ने रखा था मास्टर रुद्रनारायण को मिल जाए इसलिए चंद्रशेखर आजाद सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। ये दिलचस्प किस्सा है। अब बात आती है कुर्बानी की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ, क्रांतिकारी साथियों के साथ मीटिंग करने वाले थे। उनकी एक साथी से बहस हो गई और बताया जाता है कि वहां से मुखबरी हो गई और अंग्रेज तक पहुंच गई ये जानकारी। अंग्रेज बड़ी फौज के साथ पहुंच गए उसी पार्क में। अंतिम वक्त तक उनकी जो सोच थी, जो वो कहते भी थे अपने जीवित रहते हुए, आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों की गोली का शिकार नहीं बनूंगा। तो पिस्टल में जो गोली थी उनकी, उससे कई गोलियां तो उन्होंने चलाई, लेकिन जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मार ली, क्योंकि वो कहते थे खुद को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे, ना ही अंग्रेजों की गोली का शिकार होंगे। और मरते मरते भी उन्होंने अंतिम बार वही शेर कह दिया जो उनके मिजाज में शामिल था, कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे आजाद ही रहेंगे।